हेलो एवरीवन, वी आर कमिंग बैक ऑन योर चैनल फन एंड फ्लेम। आज हम आपको कश्मीर पार्ट टू में दिखाने वाले हैं कश्मीर के कई और बेहतरीन रंग, जैसे डल लेक की हाउस बोट, शॉपिंग और परी महल से कश्मीर के नज़ारे, और सोनमार्ग से थाजीवस ग्लेशियर तक कैसे पहुंचे हम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने जब शुरू किया, हम होटल से डल लेक का नज़ारा लेते हुए जा रहे हैं अपनी हाउस बोट की तरफ, जो थोड़ी दूर है, इसलिए हम बाइक पर जाएंगे और बाइक पार्किंग में है, तो हम डल लेक को क्रॉस कर रहे हैं। तो जो हमारा होटल है वो बहुत ही खूबसूरत था, उसकी कुछ तस्वीरें हैं, तो देखिए ये है हमारे शाहीन बाग की कुछ तस्वीरें। तो हम निकल पड़े अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए, और जो थी परी महल। देखिए हम जा रहे हैं परी महल की ओर। रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक भी था, बट जो रास्ता था काफ़ी ही सुंदर था। आधे घंटे की राइड के बाद हम पहुंच गए परी महल। परी महल की हिस्ट्री अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि वहां पर परियां आती थी रात को, और देखिए अभी भी परियां आ रही हैं, आप देख सकते हैं। परी महल काफ़ी ही सुंदर है और काफ़ी ही पुराना बना हुआ है। परी महल की एक खासियत ये है कि आपको वहाँ से डल लेक का पूरा व्यू दिखेगा और काफ़ी अच्छी सीनरी दिखेगी। दैट वॉज अमेजिंग गाइज एंड लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। परी महल के बाद सीधा हम पहुंचे डल लेक। वहां पर की हमने शिकारा में सवारी। ये है डल लेक का व्यू, लुक्स सो ब्यूटीफुल। यहां पर भी आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी डल लेक में शिकारा के लिए, वो 700-800 पर आवर लेते हैं। और इवन यू कैन डू शॉपिंग इन द डल लेक। आप देखेंगे आगे कैसे डल लेक में शॉपिंग होती है। डल लेक में शॉपिंग का अपना अलग ही मजा है। आपकी शिकारा के पास अलग अलग शिकारा आएंगी, वो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे, फ्रॉग्स, ज्वेलरी, गोल्डन ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, और आपको कश्मीरी कॉस्ट्यूम्स दिखाएंगे, जिन्हें डालकर आप अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स ले सकते हैं डल लेक में। इनके रेट्स अलग अलग होंगे, आपकी मर्जी है आप कैसे लेना चाहेंगे, बट इट्स रियली सो इन्जॉयबल। कश्मीरी चाय और कश्मीरी कावे के बिना डल लेक की सैर तो कंप्लीट ही नहीं हो सकती। सो देखिए आ गया है हमारा टी स्टॉल ऑन द डल लेक, जहां से हम पिएंगे कश्मीरी कावा और चाय और खाएंगे कुछ हल्का फुल्का स्नैक। Move to our next destination, that is Sonmark. देखिए ये साथ साथ में झेलम नदी बहती हुई और ये हिमालय के खूबसूरत नज़ारे, जिसे हम अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। Wow, it's a really beautiful.
झेलम रिवर, माउंटेन्स एंड सोनमार्ग। कुछ फुर्सत के पल बाइक साइड पर लगा के हम गए थोड़ा सा नजदीक झेलम रिवर देखने के लिए। काफी ही सुंदर नजारा था, देख सकते हैं वो बहता हुआ पानी कितना सुंदर लग रहा है। और अगर आप सोनमार्ग जा रहे होंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी जगह मिलेंगी जहां पर आप खूबसूरती का नज़ारा ले पाएंगे, जैसे हम ले रहे हैं इस कुदरत के नज़ारों में मज़ा। Finally, we reached Sonmark. Thajivas Glacier जाने के लिए हमने ponies की बजाय walk करना ज़्यादा prefer किया, क्योंकि हम nature को बहुत पास से देखना चाहते थे और घूमना चाहते थे और देखना चाहते थे ये कितना खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे sheep हैं, जो दूर दूर हमें पत्थर नज़र आ रहे हैं वो actual में पत्थर नहीं बल्कि sheep ही हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सोनमार्ग से थाजीवस ग्लेशियर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाता है और यही समय हमें पोनीज पर भी लगता है, और हमें बोला जाता है कि उसमें ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे या ज़्यादा आरामदायक है, लेकिन मैं कहूंगी अगर आप वॉक कर सकते हैं तो आप बाय वॉक ही प्रेफर करें, क्योंकि इसमें एक अपना ही अलग मज़ा है। सोनमार्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर बॉलीवुड की कई सारी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी और यहाँ पर लास्ट वाला सीन था, यहाँ पर बॉर्डर बना था, ये सारा वही पॉइंट है। Now we reach the Thajivas Glacier. Here is my turn. Going for the sledge. Yay! Going for sledge. Chuta puta. Now it's an adventurous time. अभी हम जा रहे हैं स्लेज की तरफ। ये स्लेज होती है, इस पे राइड करते हैं, ये स्नो पर चलेगी। देखिए वो ऊपर तक वो जो पॉइंट दिख रहे हैं वहाँ पर लेकर जाएंगे स्लेज को, और फिर वहाँ से हम राइड करते हुए नीचे तक आएंगे। बहुत ही एडवेंचरस राइड होती है, काफ़ी मज़ा आता है। If you are planning to go to Sonmark, so never miss these type of rides, very adventurous. Tell me
मेरे घोड़े ठीक 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 सोने का ज़ूम शिंग 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 और ये हैं हमारे भाई साहब स्कीइंग वाले, क्या नाम है भैया आपका? इमरान। इमरान आप कहाँ से हैं? रजौरी जम्मू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे गुलमर्ग की वादियों में। तो आपको पार्ट टू ये कश्मीर का आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने पार्ट वन मिस कर दिया तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखें। एंड बाय बाय, टेक केयर, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फन एंड फ्लेम।